नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा एयर पंप जो कि कुछ आपको इस साइज़ का देखने के लिए मिलता है। मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ब्लांच 4 इंच, मतलब 4 इंगुली के बराबर है, तो मतलब 2 या 2.5 इंच और होगा। तो यहाँ पे ये इतना छोटा होने के बावजूद भी आपके पास कार है, बाइक है, या हम बात करें अलग जैसे कि फुटबॉल हो गई, तो उसमें ईजिली आप कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में हवा भर सकते हैं। बात करी जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की और बात करी जाए तो इसके प्राइस की, ये मात्र 149, मतलब 150 रुपये से भी 1 रुपये कम, और उसमें भी हमारे पास सुपर क्वाइन यूज़ हो जाते हैं, तो डैट मीन्स ये पड़ता है हमें 144 रुपये का। इतना सस्ता होने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती थी, मैं फुटबॉल खेलता था तो यहाँ पे हवा कम हो जाती थी, बट मैंने इसे फुल टाइट करा ना तो ये इतनी भर चुकी है, इतनी टाइट हो गई है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे शायद आपको लगे, मतलब मैं पूरी जान से दबा रहा हूँ तब भी नहीं दब पा रही है। रियली एक अच्छा अनबॉक्सिंग हमें देखने के लिए मिली यहाँ पे। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि ये इसका प्राइस, क्योंकि हमने बॉल में हवा भरने के लिए एक पिन ली, जो मतलब बात करी जाए तो प्रेशर पिन होती है, वो ली थी, जो कि 30 रुपये की मिली थी, 30 या 35 रुपये की मिली थी सिस्को की। लेकिन ये पूरा एयर पंप साथ में, सबसे अच्छी बात, पिन फ्री में मिल गई, साथ में लगी भी, और आपको बलून फुलाने उसके लिए भी है, कुछ हार्ड चीज़ होती है जैसे कि रबड़ की चीज़ हो गई उसे फुलाने के लिए भी, बलून फुलाने के लिए भी मल्टीपल चीज़ें देखने के लिए मिलती है। रियली कि 150 रुपये में आपके घर पे डिलीवर्ड हो रहा है, इससे अच्छी डील नहीं हो सकती है। 200-250 रुपये का था, मैंने इसे पहले ही, मतलब एक कहते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पे रिजर्व करके रख लिया था, मैंने कहा इसे ख़रीदना है, बट अभी रिसेंटली सेल चल रही है तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिला। और यहाँ पे बात करी जाए तो क्योंकि छोटा है तो आप आराम से कहीं भी बैठे, आपको खड़े होके मारने की ज़रूरत नहीं है पंप, आराम से मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और मुझे फ़िलहाल कि 2 या 3 दिन हो गए इसे यूज़ करते हुए, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक 1 रुपये की नहीं आई, और रियली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब चलते हैं सीधे लाइव डेमो पर और जानते हैं वहाँ पे किस तरीके से इस प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी और यूज़ देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों फाइनली चेक करने वाले हैं हम हवा भर के इस बॉल में, और हमारे पास साइकिल भी है एक्चुअली, तो हम इस साइकिल में यहाँ पे आप देखेंगे कि साइकिल के अंदर इसकी जो हवा है बिल्कुल ख़त्म हो गई है टायर की। तो चेक करते हैं कि क्या सच में वो हमें रिजल्ट मिल पाता है जो हम एक्चुअली चाहते हैं छोटे से पंप में, और पंप रियली बहुत ज़्यादा छोटा है। तो सबसे पहले हवा बॉल के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे ये पिचक रही है प्रॉपर तरीके से, मतलब मेरा हाथ अंदर चला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, मैंने वीडियो में बताया था आपको कि इसमें 3 जो नोजल दे रखे, कि आप बलून फुलाने के लिए नॉर्मल, ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये किसी और काम के लिए होगा, बट बॉल के लिए ना ये टेम्परेरी लगा के दिए हैं कि मतलब टूट तो जाएंगे खींचेंगे तो, लेकिन आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम चलने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉल के अंदर हवा भर के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, और साइकिल के, कार के लिए, सबके लिए ही दिया गया है, दोनों नोजल दिए गए हैं जो कि ज़्यादातर सब में फिट हो जाते हैं। और सबसे पहले चलते हैं बॉल के अंदर और उसे खड़े होके ही बड़े वाले को, लेकिन इसे हम आराम से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके बीच में खाल आ गई तो पिचकने का डर है, बट मतलब इतना जोर नहीं लगाना पड़ रहा मुझे, मुझे लग रहा था कि एंग करना पड़ेगा, लेकिन और लमसम हवा भर गई है, मतलब थोड़ी सी मुझे कम लग रही है अभी, बिल्कुल लाइट। हाथ से तो नहीं दब रही दोस्तों अभी, बिल्कुल, और मैं यहां पे निकालूंगा तो आवाज भी आएगी खुश। तो काम तो इन्हें बहुत बढ़िया करा है, तब ये बिल्कुल फुल होती है तभी बार बार टप्पे खाती है, नहीं तो बैठ जाती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट तक जा रही है ना, तो मतलब ये बिल्कुल फुल हो गई है, अब आराम से इसे यूज कर सकते हैं हम। यस, मैं सोच रहा था पार चली जाएगी। तो यहां पे मैं दिखा दूं टायर में हवा, ये बिल्कुल पिचक रहा है, यूं देखेंगे बिल्कुल पिचक रहा है। तो
एक्चुअली मालूम चलेगा कि साइकिल में कितना प्रेशर लग रहा है। क्या मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हवा भरने के लिए, क्योंकि बॉल के अंदर एज कंपैरिजन कम प्रेशर होता है साइकिल के मुकाबले। और ये जो साइकिल है इसमें जो बालबाटी यूज़ की गई है वो वैसी जो कार में होती है या बाइक में होती है। देखिए हवा निकलने की आवाज़ आ रही है। काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब हवा भर दी अच्छी खासी। रियली ये तो मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग रहा कि मुश्किल से एक ब्लांस से 4 इंच बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रेशर बहुत अच्छा बना रहा है, बहुत मतलब बड़े वाले के मुकाबले ही कंपैरिजन है। जो पहले इजीली दब जा रहा था ये पूरा टाइट हो चुका है, मगर मैं थोड़ी सी और भरूंगा। और मैंने कहा था कि बॉल के मुकाबले इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे मुझे प्रेशर राइज भी लग रहा है कि हाँ कि अब दम लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कहूंगा कि यूं करके भर लूंगा, क्योंकि आप देखेंगे यहां से नीचे जा ही नहीं पा रहा है। दोस्तों काम तो इनने बहुत अच्छा करा है, एक्चुअली जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर किया है। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत तगड़ा काम किया है इसने, जितनी मेरी मुझे लग रहा था। और यहाँ पे मैं निकालूंगा तो शायद हवा का प्रेशर आए, तो वो आया भी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारी साइकिल की हवा बिल्कुल निकल गई थी वो फिल हो चुकी है। मतलब पहले तो यूं दबा दे रहा था, अब तो दब ही नहीं रहा है। तो ये है यहाँ पे, ये जो है वो निकल जाता है एक्चुअली, क्योंकि ये होल दे रखे लेकिन इनके पास कुछ अटकाने का और कुछ साधन भी नहीं है। या तो पूरा आर पार करके इसे फोल्ड करना चाहिए था, आर पार करते तो नीचे हवा निकलती, क्योंकि नीचे ही इसका पूरा मतलब होल दे रखा है। तो इस तरीके से, और अब इसके फर्स्ट टायर में हवा डालते हैं तो देखते हैं एक्चुअली उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा हवा के मामले में। तो यहाँ पे मतलब इसमें थोड़ी सी सही है हवा, ज़्यादा कम नहीं है। तो मतलब एक्चुअली मैं आपको लाइव डेमो ही दिखा रहा हूँ इसका, कि यहाँ पे पता चल सके कि हवा का कितना टाइम लग रहा है। लेकिन सही है, 150 रुपये में मुझे बुरा नहीं लगा एक्चुअली। तो 150 रुपये में उस वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा था हवा कम नहीं है ज़्यादा इसमें आगे वाले में, तो उस हिसाब से मुझे प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। तो जितनी हवा चाहिए थी उतनी हवा हमें मिल गई है। और फाइनली बात करी जाए तो एक अच्छा रिजल्ट इसने हमें प्रोवाइड करवाया है। थोड़ी सी साइकिल चला के देखते हैं। तो दोस्तों जिसे मैं बहुत टाइम से नहीं चला पा रहा था, फाइनली हवा भरने के बाद, और इसलिए ही मंगाया था, आप टायर का प्रेशर भी देख सकते हैं, एक्चुअली मैं इसलिए पास लाया हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसका भी देखेंगे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फिट हो गई है। मेरा वेट अराउंड 83-84 किलो है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अब फाइनली एक अच्छी तरीके से मैं छत पे साइकिल चला पा रहा हूँ। तो एक छोटे से एयर पंप ने हमारा इतना सारा काम कर दिया। बस एक छोटा सा काम आप और कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।